इंद्री में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सरकार के द्वारा एलटीसी बंद करने, महंगाई भत्ता रोकने और एक साल तक नई भर्तियों पर रोक लगाने की घोषणा की घोर निंदा की है। सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार से अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार कर वापस लेने की मांग की है। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मलकीत सिंह ने कहा है कि 1 मई को मजदूर दिवस पर शहरों व गांवों के दफ्तरों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मजदूर दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान ही आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के ऊपर निरंतरता में किए जा रहे आर्थिक हमलों से ऐसा लगता है कि सरकार ने उनके हौसले को तोड़ने का पक्का इरादा बना लिया है। देखिए एक रिपोर्ट। आज जो आपने नारेबाजी देखी हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ, कर्मचारियों के अंदर भारी रोष है क्योंकि पूरे देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई लड़ने में कर्मचारी सबसे आगे हैं और वो सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी है, पुलिस विभाग का कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, बिजली का कर्मचारी है, पानी का कर्मचारी है। इस प्रकार से अलग अलग सरकारी विभागों के कर्मचारी लगातार मैदान में अपनी जान दान पर लगा के अपने परिवार को छोड़ के इस कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार लगातार इन कर्मचारियों की अनदेखी करिए, इनके ऊपर नए नए नियम थोप के कभी डीए फ्रिज किया जाता है, कभी एलटीसी बंद की जाती है, कभी जीपीएफ से पैसे निकलवाने पर रोक लगाई जाती है और आगे भी ये सरकार पता नहीं ऐसे मतलब विकट स्थिति में क्या क्या कर्मचारियों के खिलाफ करेगी। इसलिए पूरे हरियाणा के पूरे देश के कर्मचारियों में रोष है कि सरकार इन फैसलों को वापस ले, क्योंकि जो कर्मचारी वर्ग है वो लगभग गरीब तबकों से लगभग ज़्यादा कर्मचारी इनके अंदर है और अपनी तनख्वाह के ऊपर ही केवल इनका गुजारा होता है। कई लगभग 70-80% कर्मचारी ऐसे हैं जिनका दूसरा कोई सोर्स नहीं है, लेकिन सरकार इस महामारी से लड़ने में हौसला अफजाई करने की बजाय कर्मचारियों के ऊपर डीए फ्रीज करके और एलटीसी बंद करके मतलब इनका हौसला तोड़ने का काम करी है सरकार और पूरे देश प्रदेश का कर्मचारी इसके खिलाफ है। कल मई दिवस पूरे देश के अंदर मनाया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम पूरे देश के अंदर गाँव में, शहरों में और दफ्तरों में मई दिवस मनाएंगे। उस मई दिवस पर हम सरकार की पोल खोल लेंगे कि इस कोरोना और आर्थिक संकट की आड़ में कर्मचारी और मजदूरों के साथ ये सरकार, केंद्र की सरकार क्या क्या कर रही है। जो मजदूर हैं, जो काम के घंटे 8 घंटे निश्चित जो श्रम कानूनों में शुरू से लागू हैं, जो पूर्वजों ने जान दे के कुर्बानियाँ दे के लागू करवाए थे, लेकिन ये केंद्र सरकार पूंजीपतियों के कमे उन काम के 8 घंटों को 12 घंटे करने की कोशिश कर रही है। बिजली विभाग जो पूरे इस महामारी के समय जिसके सब सारे सिस्टम जो बिजली से चलते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो या दूसरे प्रकार की जो भी सुविधाएं हैं, केवल बिजली से चलती है। अगर बिजली का कर्मचारी सही तरीके से काम नहीं करता तो इस महामारी में हम जीतने में कहीं भी कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन बिजली का कर्मचारी लगातार काम करे, ईमानदारी से और मेहनत से काम करे और यह सरकार बिजली महकमे का प्राइवेट जो बिजली बिल 2003 को संशोधित बिजली बिल 2020 में लेके आ रही है उसको पास करवाने की कोशिश कर रही है, उसके अंदर फीडरों का ठेका होगा और बिजली जो मजदूर जो गरीब तबका उसके पहुंच से दूर हो जाएगी। इसलिए बिजली के कर्मचारियों में भारी रोष है, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं इनमें भारी रोष है। ये तो केवल महामारी का समय है, कोई सभी कर्मचारी सड़कों पर नहीं आ सकते, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लगातार हम इसका विरोध करेंगे और जब तक हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार इन अपने जो तुगलकी फरमान इनको वापस नहीं लेती तब तक कर्मचारी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.